अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। आज मैं आपके लिए CS 201 का प्रैक्टिकल सेक्शन का सेकंड लाइव क्विज लेकर आया हूँ। तो इसमें सारे मैंने आंसर भी मैंशन किए हुए हैं, उनके पेज नंबर भी मैंशन किए हुए हैं, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें से चार MCQs दिए गए, इनमें पूछा गया कि इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जाम्पल कौन सी है। तो अगर आप हैंड आउट्स में जाएँ तो पेज 40 पे लिखा हुआ है लॉजिक ऑपरेटर एंड एंड और इसकी एग्जाम्पल भी साथ ही हुई है, तो इसका ऑप्शन सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन C++ लैंग्वेज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन B² - 4AC/2A कैन बी रिटन एज। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में C++ लैंग्वेज में ये कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये भी हैंड आउट्स हमारे में दिए हुए हैं। पेज नंबर 22 पे अगर जाएँ तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एक्स जो मल्टीप्लिकेशन की अलामत होती है वो C++ में ये वाली होती है, और डिवाइड वाली की ये वाली होती है, इसी को हमने यूज़ करना है इसमें। तो इसका ऑप्शन सी आता है, B·V − 4·A·C/2·A, तो इसका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन C++ यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ़ वी वांट टू एक्सक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट देन वी हैव टू इनक्लोज आर स्टेटमेंट। वो कहता है C++ लैंग्वेज में अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हमने सारे स्टेटमेंट को किस में इनक्लोज करना होता है। तो हैंड आउट्स में ये भी दिया हुआ है, इसका पेज नंबर आप जाएँ 37 पे। तो इफ़ वी वांट टू एक्सक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट देन वी हैव टू इनक्लोज ऑल दो स्टेटमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में हमने सारे स्टेटमेंट्स को इनक्लोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। अगर C++ में अगर एक्सप्रेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, यानी बड़ी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। तो हैंड आउट्स में अगर आप जाएँ तो पेज नंबर 28 पे, पैरेंथेसिस आर यूज्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। जिन बच्चों को पैरेंथेसिस का पता नहीं है, ये छोटी ब्रैकेट्स यानी स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और इसके अलावा जो भी आगे क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी उनकी वीडियोस भी आपको तक पहुँचती रहेंगी। तो अगला आखिरी MCQ था, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ए इज़ लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन का साइन होता है, और इक्वल टू, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका ये ऑप्शन ए आएगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।